कद्दू के बहुत गुण है स्वामी जी, तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, इस पर रिसर्च हुआ है। हाँ। जबकि डायबिटीज के लिए मना करते थे, इसके जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना शानदार है कि अच्छा एक चीज, मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात आई तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चावल, ये चावल जो है ना, यदि मैं तो कहूंगा परम श्रद्धेय स्वामी जी से कि चावल भी, ये बासमती चावल जो है ना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 होता है, लेकिन उसी जब आपको जो है ना पर बॉइल्ड राइस लेते हैं, उतना चावल लेते हैं तो बिल्कुल आधा 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको बोलते हैं कि वो कितना जल्दी हमारे खून के साथ मिल करके और शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो प्रायः जो है बासमती चावल खाने वालों को डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है, बशर्ते जो है उतना चावल या जो सेला चावल या पीला वाला चावल या ब्राउन राइस जो वैसे तो ये जो चावल का छिलका उतार देते हैं ना ऊपर का, ये व्हाइट चावल ये ठीक नहीं होता, ब्राउन और उसके ऊपर थोड़ा रेडिश कलर का, माने उसको पहले जो कूट के बनाते थे ना चावल, जो ये पूरे आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर लाखों लोगों पर रिसर्च किया गया कि जो हाथ से कुटे हुए चावल, जो वो जिनकी पॉलिश नहीं उतारी गई है, ये जो राइस मिलों में क्या हो रहा है, चावल राइस मिल जो होती है ना आप देखना वहां, उसमें चावल को पॉलिश करते हैं, और पॉलिश चावल व्हाइट व्हाइट चावल चाहिए ना हमको, व्हाइट व्हाइट आटा, व्हाइट व्हाइट चावल, व्हाइट व्हाइट चमड़ी, इसके चक्कर में सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। तो उसकी चावल के ऊपर का जो छिलका उसका तेल निकालते हैं, उसको बेचते हैं, और इसमें बड़ा, उसमें भी बहुत भयंकर केमिकल प्रोसेस होता है, और वो चावल बहुत खतरनाक है, उसी से डायबिटीज बढ़ रही है, उसी से मोटापा बढ़ रहा है। चावल को और जौ को हमारे यहाँ पर सबसे सात्विक आहार माना जाता है, जौ तो आजकल मिलना ही बंद हो गया, अभी हमने शुरू करवाया है, अभी जौ का दलिया शुरू कराया, थोड़ी देर में जौ गेहूँ और चना इसका जो है मिस्सी आटा भी उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं आपको बोल रहा था ये जो धान है ना, इसको यदि आपको हाथ से कुटा हुआ धान मिल जाए जिसको पॉलिश वाला नहीं है, पॉलिश धान अच्छा नहीं होता, और इस चावल को क्योंकि उसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आधा एक घंटा पहले उसको भिगो दीजिए और फिर उसको बनाइए तो जल्दी बन जाता है। तो ये जो है ना ब्राउन शुगर या ये चावल यदि प्रयोग करना हो तो यही करें, और इसी को, क्योंकि बासमती चावल बिल्कुल वो भी हम व्हाइट पॉइजन के कैटेगरी में ही उसको रखते हैं तो इसलिए बासमती चावल का प्रयोग, देखिए ना हिंदुस्तानी लोगों ने, पहले अमेरिका में डायबिटीज इतने नहीं था अमेरिकन लोगों में, हिंदुस्तानियों ने उनकी खाने की आदत को ऐसा चेंज किया कि अमेरिकनों में धीरे धीरे डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है, और वहाँ भी वो चावल जो है उगा रहे हैं और बासमती चावल खा रहे हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं वो। तो इसलिए जो है बासमती चावल की अपेक्षा पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, हाथ कुटा हुआ यदि मिल जाए, हैंड पाउंडेड मिल जाए या ढेकी कुटा हुआ मिल जाए जो ब्राउन रंग का होता है, हाँ। वह चावल ज़्यादा उपयोगी होता है। और क्योंकि देखो मैं स्वामी जी को मैं इसलिए बहुत बहुत, क्योंकि स्वामी जी सिर्फ बातें नहीं किए हैं, उसकी उपलब्धता उन्होंने हर जगह जो हर चीज़ को आपको उपलब्ध कराया, ये सबसे बड़ी खासियत है स्वामी जी की, क्योंकि लोग बातें कर देते हैं है? लेकिन उपलब्ध नहीं कराते हैं, स्वामी जी ने उसको उपलब्ध कराया। ये जैसे मधुरम उपलब्ध कराया, सरसों का तेल कच्ची घानी का, तो ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस के, जो ये विशेषता है गाय का घी अभी और चलिए, तो पेट के लिए एक तो, और ये चावल जो है ना दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप लोगों को बता दें कि हिंदुस्तान में जितने भी नोबल पुरस्कार विजेता लोग हुए हैं वो सारे चावल खाने वाले बेल्ट के लोग हुए हैं, और भविष्य में हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी बनेंगे, ये पूरा मुझे विश्वास है, पूरा मुझे भरोसा है।